ऑस्ट्रेलिया का पल्ला जो है वो भारी रहता है, ये सुशील जी कह रहे हैं। मनोज जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सुशील जी की बात से, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की पिच और वेदर कितना भारत की फेवर में जाएगा? देखिए, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की पिच का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के वेदर का सवाल है, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि ओवल की विकेट पर बाउंस होगा और ऑस्ट्रेलियंस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। लेकिन वही भारतीय प्लेयर्स की बात यह है कि चौथा दिन जो होगा, चौथे दिन चाय के बाद का जो वक्फा होगा, उसमें गेंद जो है स्पिन ले सकती है। बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह की ये विकेट है, क्योंकि यहाँ अगर आप 300 रन, अगर फर्स्ट इनिंग का एक औसत स्कोर है 350 रन, तो 176 के आसपास जो है चौथी इनिंग का स्कोर है, यानी 200 रन नहीं बनते हैं यहाँ पर चौथी पारी में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थितियों के बहुत अनुकूल हैं। तो ऐसी स्थिति में स्पिनर्स का बहुत ही कारगर रोल होगा। लेकिन जैसे सुशील दोषी साहब ने कहा कि यहाँ दो स्पिनर खिलाना लग्जरी होगा, क्योंकि हमने साउथहैम्पटन में देख लिया, क्योंकि वहाँ ओवरकास्ट कंडीशन थी, मुकाबला सितंबर में हुआ था, और वहाँ पर अगर आप पहले 3-4 दिन देख लें, अगर आप टॉस देखें, टॉस अगर भारत की फील्डिंग पहले आती है तो दो स्पिनर उस वक्त जो है लग्जरी लगेंगे, क्योंकि दिन भर में स्पिनर्स का रोल जो है मुश्किल से 10 ओवर या 12 ओवर या 14 ओवर, इससे ज़्यादा नहीं है उन 90 ओवर में से। तो 14 ओवर में यदि 7 ओवर या 8 ओवर जडेजा कर लेते हैं तो फिर अश्विन जो है एक मूक दर्शक बनकर रहेंगे, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ ये बहुत ही पैना सवाल है। लेकिन दूसरा पक्ष अगर देखें तस्वीर का, दूसरा रुख, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि चार विशुद्ध रूप से जो बल्लेबाज हैं वहाँ पर, चाहे वो एलेक्स कैरी हो, चाहे वो उनके शुरुआत के उस्मान ख्वाजा हो, डेविड वार्नर हो, ट्रेविस हेड हो, ये सब के सब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने रविचंद्रन अश्विन का प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा है, और जो उन्होंने 474 विकेट टेस्ट क्रिकेट में चटकाए हैं उसमें तकरीबन 50% उनके विकेट जो हैं वो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ हैं। तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ को भी खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि बात सुशील दोषी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि चार फास्ट बॉलर और एक स्पिनर यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पहले भारत को जो है बल्लेबाजी करने को मिलती है तो मेरे, और यहाँ धूप खिली हुई होती है, सूखी विकेट है, तो वहाँ पर दूसरे स्पिनर को खिलाने पर विचार किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा उनको खिलाया जाए, लेकिन विचार करना बेहतर विकल्प होगा। जी सुशील जी से भी इस पर मैं एक कमेंट चाहूँगी कि वेदर और पिच किसके फेवर में आपको कल नज़र आएगी, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें लग रही है? देखिए, इंग्लैंड में अभी जो शुरुआत का मौसम है, क्रिकेट सीजन जिस तरह से शुरू हुआ है, वहाँ आसमान में बादल हैं और काफ़ी भारी वातावरण नज़र आ रहा है, और तेज़ गेंदबाजों का काफ़ी, जो मैं पढ़ रहा था अभी के जो खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे, तेज़ गेंदबाजों को खेलने में बहुत मुश्किल पड़ रही थी, स्पिनर्स को आराम से खेल रहे थे। और ये बात सही है कि लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी में, और उसमें लबुशेन का नाम, अभी जोशी जी इतने सारे नाम गिना रहे थे, लबुशेन का नाम अब भूल गए फिलहाल, लेकिन लबुशेन बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और वो बहुत छोटे बैकलिफ्ट से खेलते हैं, बहुत अच्छी तकनीकी सक्षमता दिखाते हैं, जो जैसे विराट कोहली हमारी टीम में, भारतीय टीम में, वैसे लबुशेन ऑस्ट्रेलियाई टीम में। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया की जो बात है ना, वो लड़ाके खिलाड़ी हैं, वो जुझारू खिलाड़ी हैं, और यही बात भारतीय क्रिकेट में भी अभी देखने को मिली। ये बात ज़रूर है कि अब तेज़ आक्रमण, पहले जैसा नहीं रहा, जब बुमराह थे और शुरू में ही विकेट टपका देते थे और प्रतिद्वंद्वी खेमे में काफ़ी दहशत फैला देते थे, लेकिन फिर भी सिराज और शमी एक निरंतरता के साथ बहुत अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, स्विंग और सीम का बहुत अच्छा समावेश कर रहे हैं, और अब शमी तो उनको पूरी दुनिया के बल्लेबाज बहुत ही इज्जत की निगाहों से देखते हैं, हम जानते हैं, और दुनिया भर के बल्लेबाज, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया भी खिलाड़ी तमाम कह रहे हैं कि भाई शमी और सिराज की जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ियों में अपना शिकार करने की उनकी जो आदत है, उनके सामने खेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर ये मुकाबला देखिए, ये केवल तकनीकी कुशलता का तो मुकाबला है ही, ये मानसिक दृढ़ता का भी मुकाबला है, और जब ऐसे बड़े मुकाबले होते हैं ना, ये गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का मुकाबला है, ये मर्दाना मुकाबला है जिसको कहते हैं ना, कि ये बड़े दिल वालों का मुकाबला है, और यहाँ पर वही जीतेगा जो तकनीकी कौशल भी रखता हो, जो जुझारूपन भी रखता हो, और जो मानसिक दृढ़ता का भी मालिक हो। बिल्कुल, मानसिक दृढ़ता जिसकी मजबूत है वही ये मुकाबला जीतेगा सुशील जी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ समझने की ज़रूरत है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, अगर हम ओवल के मैदान की बात कर रहे हैं, तो 5 दशक का अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो सिर्फ 2 मैच जो है ओवल के मैदान में जीते हैं, 17 मौक़ों पर हार का सामना करना पड़ा है।
ऐसे में क्या ये भारत के फेवर में जाएगा और ऐसे में इस पूरे रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी होगी? सुशील जी, नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत फर्क आ गया दुनिया भर में। अब आप देखिए, पहले भारतीय बल्लेबाज तेज गेंदबाजी के सामने थोड़े बिचक जाया करते थे, जिसको कहते ना, अब तो कोई डरता नहीं है, रफ्तार से कोई डरता नहीं और उछाल से भी उतना डर नहीं लगता। सवाल साइडवेज मूवमेंट जो होता है ना, बाएं दाएं जो गेंद हिलती है, स्विंग मूवमेंट जिसको होता है, जिससे कारण परेशानी होती है, वो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करती है। लेकिन फिर भी ये मुकाबला ऐसा नहीं कि एक तरफा या ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही पूरी तरह से, भारतीय टीम भी पूरी तरह से सक्षम नजर आती है। उसके बल्लेबाज बहुत ज़्यादा रन बना चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। विराट कोहली क्या कर सकते हैं हम जानते हैं, दुनिया भर के लोग उनको बोलते हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। और ऑस्ट्रेलिया ही तो ये भी कहते हैं कि चेतेश्वर पुजारा से उनको ज्यादा डर लगता है, विराट कोहली के मुकाबले भी चेतेश्वर पुजारा को कैसे आउट करेंगे, इसकी योजना उनसे बनाते नहीं बन रही है। तो ये भी एक बात है। सवाल यही है कि कौन खिलाड़ी किस तरह से परिस्थितियों को अपने समय की कमी है, मनोज जी को इससे भी मैं इस पर एक जरूर कमेंट चाहूंगी। जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मैं 5 दशक की अगर बात कर रही हूँ तो सिर्फ 2 मुकाबले ओवल के मैदान में ऑस्ट्रेलिया जीत पाई है, 17 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या ये भारत के फेवर में जा सकता है? मनोज जी, जी एक बार सवाल जरा दोबारा से दोहरा दीजिएगा जी। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ ओवल के मैदान की, तो 17 मैचों में हार का सामना और 2 मैच में जीत हासिल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओवल के मैदान पे कर पाई है, तो क्या ये भारत के फेवर में कल जा सकता है आपको लग रहा है? देखिए अनन्या, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ओवल का मैदान जो है, जितना खराब जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड में, वो ओवल के मैदान पर ही है। वर्स्ट जो उन्होंने खराब प्रदर्शन किए हैं उनमें से एक है ओवल, और यहाँ क्योंकि उनको मैच जीते हुए भी करीब करीब 8 साल हो चुके हैं। 2015 में जो है वार्नर स्मिथ, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी बदौलत इंग्लैंड को हराया था। लेकिन इसी मैदान पर 2021 में भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, एक अच्छे टीम वर्क का परिचय दिया और भारत ने ओवल में मुकाबला जीता था, इंग्लैंड को हराया था। तो ये कंडीशन हमें लॉर्ड्स की तुलना में कहीं बेहतर है, कहीं ये खुदा ना खास्ता मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील जी, आपका